नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। और सुदर्शन टीवी पर लगातार पांचवें दिन हम आपके सामने ओवैसी के नंगा नाच के तमाम विजुअल लेकर आए हैं, तमाम प्रूफ लेकर आए हैं, तमाम वो चीजें लेकर आए हैं जो भारत में शायद कोई और करता तो अब तो जेल के पीछे भी होता और फांसी भी हो जाती, और दुनिया के किसी और देश में होता तो न जाने उसकी खानदान भी समाप्त हो गई होती। लेकिन भारत में लगातार 2-3 सालों से अपने नंगा नाच के लिए मशहूर ये महाशय कोर्ट में जाकर बेल लेकर अब भारत में अन्य अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हालिया महाराष्ट्र में हुए चुनाव प्रचार में उन्होंने फिर दोबारा देशद्रोह का वो राग आलापा है और दूसरे धर्मों के खिलाफ वो बातें कही है जो बातें कहने से दल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से मना किया जाना चाहिए और जीतकर आए हुए उम्मीदवार की भी चुनाव जीतने की स्थिति बदलनी चाहिए। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद ये अभी भी बाहर घूम रहा है और मीडिया, समाज के जागरूक अपने अपने कहने वाले संगठन इस विषय पर चुप है। राजनीतिक दल अपना अपना फायदा देख रहे हैं क्योंकि कई जगह कांग्रेस के वोट काटता है तो कांग्रेस विरोधी दल इसको इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, और कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर इसके खिलाफ बोलना उसके अपने कार्य पद्धति में नहीं है। आज हम इस कड़ी में न्यायालय और कानूनविद इस क्षेत्र के लोगों को लाए। पहले 3 दिन हमने आपके सामने बिंदास बोल में जनता को लिया, फिर हमने कल आपके सामने पत्रकारों को लिया, आज हम आपके सामने वकीलों को लाए हैं, कल हम आपके सामने कवियों को लाएंगे, उसके बाद हम सीमा पर रहने वाले जवानों को, आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों को ऐसे नंगा नाच देखने के बाद क्या दुख होता है वो दिखाएंगे, और भी इस मुद्दे को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि यह अंदर नहीं होता। तो आज का यह मुद्दा क्या है जरा डिटेल में देखते हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। जी हाँ, भारत का कानून अंधा हो गया है। कहने को तो भारत संप्रभुता वाला राष्ट्र है, लेकिन यहाँ ओवैसी जैसे देश के गद्दारों ने अपने सामने कानून को भी बौना साबित कर दिया है। पूरे देश में घूम घूम कर ओवैसी जहरीले बोल बोल रहा है और लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़का रहा है, और कानून चुपचाप देख रहा है। इस कानून को अंधा नहीं तो और क्या कहें? अगर कानून की आंखें होती तो आज ये देश का गद्दार सलाखों के पीछे होता। वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलाना क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। ये सुने भारत में क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। ओवैसी खुले मंच से हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, लेकिन इसके विरोध में कोई बोलने को तैयार नहीं। सभी चोरों के साथी हैं, ये तो देश का गद्दार और देशद्रोही है। कहाँ है देश के गणमान्य वकील? खुलेआम ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वो क्यों नहीं कानूनी दांव पेंच लगाकर इसे कानून की जंजीरों में बांध रहे हैं? ओवैसी जैसे देशद्रोही को तो जेल के अंदर होना चाहिए और 1947 की तरह इसके पार्टी पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अस्मते लुटी चली गोली, इसने आँख नहीं खोली। ये अंधा कानून सब कुछ देख कर चुप है, लेकिन अब आंखें खोलनी पड़ेगी क्योंकि ओवैसी जैसा गद्दार और देशद्रोही भारत माता की अस्मिता को तार तार कर रहा है, भाई को भाई से लड़ाने के लिए उकसा रहा है। अब समय आ गया है कानून की आंखों से पट्टी हटाने का। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन सा। 2013 में ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में एक जनसभा के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय अकबरुद्दीन पर धारा 153A
धार्मिक भावनाओं को भड़काना और 295 ए जानबूझकर किसी भी वर्ग या धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करना और 124 ए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तहत मामले दर्ज कराए गए हैं। वह अवैध संपत्ति हड़पने के मामले में भी उस्ताद है। उस समय ओवैसी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिसिया पूछताछ में उसकी पतलून गीली हो गई थी। इतना ही नहीं, खुफिया सूत्रों के अनुसार मुंबई में 26/11 को हुए हमले में भी वो संलिप्त रहा है। ऐसे देशद्रोही को क्या जेल में नहीं होना चाहिए? इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो न्याय देवता के आंखों पर पट्टी है, लेकिन उसके आसपास मंडरा रहे, उस सारे व्यवस्था ने ही आंखों पर पट्टी बांध ली, ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। और इसलिए इसी न्याय देवता के आसपास और इसका समन्वय, इसका संतुलन हमेशा बना रहे, इसलिए काम करने वाले चार वकील हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि विश्व विख्यात है। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट ML शर्मा, जिनको आप जानते हैं, कोल ब्लॉक इस देश में जिनके कारण रद्द हुए। पिछले 10 सालों में दो वकीलों के नाम भारत में और दुनिया में गूंजते हैं, उसमें से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और ML शर्मा। उसमें से ML शर्मा जी हमारे साथ है, जिनको जिन्होंने देश को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, और उनके होते हुए यहाँ पर अभी भी ओवैसी घूम रहा है, इसलिए हमने उनको बुलाया है। हमारे साथ एडवोकेट AK दुबे है, अभी सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते, सुदर्शन पर पहले भी आते रहे। हमारे साथ पहले भी इसी विषय पर जुड़ चुके एडवोकेट विवेक शर्मा है, और साथ में हमारे साथ हैदराबाद से मेघरानी अग्रवाल एडवोकेट जुड़ी है। मैं उनका अभिनंदन इसलिए भी करूंगा क्योंकि कल के पत्रकारों के कार्यक्रम में हैदराबाद से किसी भी चैनल का, किसी भी पेपर का, किसी भी मैगजीन का कोई पत्रकार जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनमें उठना डर था, लेकिन आज मेघरानी अग्रवाल जुड़ रही है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मेघरानी जी, ये सारा कुछ हैदराबाद से हो रहा है, इसका केंद्र हैदराबाद है और आप वहां रहती है, ये घूम रहा है क्या और कैसे? ये सब, ये लोग अपने आप को क्या है, सब सरकार समझ रहे हैं, ये लोग समझते हैं कि ये यहाँ पर जो भी भारत में हो रहा है वह उन्हीं के कारण हो रहा है। तो और दूसरी विषय ये है कि सरकार ने उचित समय पर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसके कारण इनको बल प्राप्त हो गया। और ये निरंतर इसी तरह की भाषण देकर जो माइनॉरिटी संख्या है उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और उसी में ये भूल गए कि ये भारत के वासी है और भारत की सभी समुदाय के लोग, तो उनको उनका मान करना, सम्मान करना इनका कर्तव्य है। और ये भूलकर ये एक ही समुदाय के लिए एक ही उसमें बात करते हुए आ रहे हैं। चलिए मैं ML शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, आपने देखा क्या मुद्दा है, क्या स्थिति है, क्या विषय है आपके सामने है, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान का जुनून है। ये आदमी या इन तरह के लोगों के, कुछ लोगों का जो गिरोह संगठन है या कुछ लोगों की जो भीड़ है, वो अपना मानसिक संतुलन शायद पिछले 200 वर्षों में धीरे धीरे खो चुके हैं। बाबर इस देश में मात्र 1800 सैनिक के साथ आया था, जिनमें से आधे मर चुके थे। उसके बाद औरंगजेब ने इस देश में हिंदुओं को काट काट करके, उनके जो बच्चे थे उनको मुसलमान बना करके मस्जिदों में रखा, उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में धकेला गया। आज इस देश के अंदर वही मुस्लिम परिवार हैं, बाहर के आए हुए इनमें से कोई भी नहीं है। मुझे लगता है हमारे समाज ने भी इनके साथ थोड़ी जाति की कि इन्हें वापस अपने धर्म में आज तक नहीं बुलाया। वह फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर इतना ज्यादा घर कर चुका है कि आज इनको सिवाय अंधकार के नजर नहीं आता, और जो मुख में ये आता है उसका मतलब उसको ये बोलने की छूट दी जाए। सवाल बोलने की छूट नहीं दी जाए। अगर कोई व्यक्ति
असंतुलन मस्तिष्क का होता है तो उस व्यक्ति का इलाज कराया जाता तो है। उसकी तो जगह आगरा में होनी चाहिए ना, इसका पागलों के अस्पताल में होनी चाहिए। इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास दो तीन मिनिस्ट्री हैं, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री। माननीय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर साहब हैं, उन दोनों को चाहिए कि समाज के अंदर इस तरह के असंतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का इलाज करवाएं। इनकी सही जगह हॉस्पिटल है। हमको तो लगता नहीं कि वो इलाज कर रहे हैं, हमको लग रहा है आप में इलाज है, वकीलों में इलाज है, इसलिए हम आपको बुलाए। नहीं नहीं नहीं, वकीलों का इलाज यहाँ नहीं है। वकीलों का इलाज जो है, वकीलों का न्यायालय का वहां पर होता है जहां कोई व्यक्ति जानबूझ करके इंटेंशनली कोई ऐसा अपराध करे जिससे कि उसको फायदा होता हो या बदले के लिए कोई अपराध करे। ये तो बदले के लिए आप कह रहा है। आपको मैं एक और बाइट दिखाता हूं कि ये अपने माइक हटा दे और हाथ में गन हो तो ये क्या बोल सकता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति बोलने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इन व्यक्तियों का समूह, इस तरह के व्यक्तियों का समूह क्या कर सकता है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों का मस्तिष्क असंतुलित हो चुका है उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ये तो बड़ा आसान है, आप इनको पागल ठहरा कर बोलने की छूट दे रहे हैं। मैं बोलने की छूट नहीं दे रहा हूं, मैं उस संस्था से, उस राजनीतिज्ञों से, उन नेताओं से जो ठेकेदार बने हुए हैं भाषण दे देकर इस देश का, इस राज्य का, इन नगर का, उनके सामने एक सवाल रख रहा हूं। अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको पकड़ करके गोली मार दी जाती है। अब आप ट्रैक पे आ गए ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई व्यक्ति, लेकिन इंसान, अगर कोई इंसान पागल हो जाता है, असंतुलित होता है, तो उसका इलाज करवाया जाता है। हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में दोनों जगह प्रोविजन है। असंतुलित मस्तिष्क के व्यक्ति को तो फांसी भी नहीं दी जाती, आप इनको कैसे अंदर कर देंगे। लेकिन आपको पता है, इसने, इसको जब अरेस्ट किया गया तो इसने मेडिकली, आप जो बात बोल रहे हैं कि मस्तिष्क की प्रॉब्लम है या ये कोई साइकिक है, ये नहीं कहा। इसने कहा कि कोई भूत कस्टडी में आता है और इसके ऊपर भूत हावी है, और उस जज ने भी इस दलील पर उसको जमानत दे दी। मैं विवेक शर्मा के पास जाऊंगा। हमारी बात को ही स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में भूत हावी, इसका मतलब असंतुलित है वो व्यक्ति। हाँ। अगर कोई व्यक्ति असंतुलित है, उसका ग्रुप असंतुलित है, मतलब उनको इलाज की जरूरत है। विवेक जी, इलाज की क्या, विवेक जी क्या वकीलों के पास इसका इलाज नहीं है, न्याय व्यवस्था के पास इसका इलाज नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल इलाज है, क्यों नहीं इलाज है। न्याय व्यवस्था के पास ही इलाज है। कैसे? ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात है, वो तो कोर्ट में अपनी डिफेंस क्या लेता है सिर्फ जमानत पाने के लिए, वो अलग विषय है, आज का विषय नहीं है। विषय आज इतना है कि ये इतनी जहरीली भाषा का जो प्रयोग कर रहा है, क्या उसको कानूनन हम रोक सकते हैं या नहीं? कानून में आईपीसी में प्रावधान है, खुद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में प्रावधान है, जेल का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है। लेकिन वो होगा तभी जब न्यायालय के पास कोई जाएगा। बिल्कुल, जब कोई जाएगा नहीं। एक हम आपको दिखाते हैं कि ये 124 की धारा के प्रावधान के अंतर्गत ये कैसे आता है। हमने पिछले दिनों जब इसको नेट पे डाला था तो कोई वकीलों ने हमें ये जानकारी भेजी थी, जरा 124 वाली बात देख लेते हैं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन दखल है। एके दुबे जी, 124 कहां है? देखिए, जिस तरह से ओवैसी की भाषा है, 100 करोड़ को 25 करोड़ से लड़ाने की बात कर रहा है, और वहां उपस्थित जो जनसमुदाय है उसके साथ वो उसकी बात पर नारे लगाता है, उन्माद करता है, और उन्माद करता है, और यह कहता है कि 25 करोड़ हम हैं, 100 करोड़ तुम हो, यानी 25 करोड़ पुलिस को हटा लो, देखो ये 25 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। माने ये एक व्यक्ति के इलाज से संभव नहीं है, वहां पर मौजूद सारे लोग, अगर प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो शायद रॉयट्स हो जाए उस शहर में जहां पर ये भाषण चल रहा था। ऐसे व्यक्ति की जगह अस्पताल नहीं, जेल होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही करार देना चाहिए जो देश में देश के लोगों को देश के लोगों के साथ लड़ा रहा है। और इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं, धार्मिक उन्माद भड़काने का, इसके ऊपर इंडियन पीनल कोड में जितने भी इस तरह के ऑफेंसेस हो वो सारे लाद देनी चाहिए। जिस तरह से अजमल आमिर कसाब, जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी दी गई, वो भी तो कॉन्स्पिरेटर था और ये भी कॉन्स्पिरेटर। नहीं, मैं मैं शर्मा जी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी एक बात, आप बहुत सीनियर और बड़े भाई हैं हमारे,
मैं जो देख रहा हूं उसके बाद कह रहा हूं, मैं आपकी बात से कॉन्ट्रावाइज नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां फोर्स नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, तो वो जितने लोग वहां पर मौजूद हैं उस महफिल में, उसकी महफिल में, उन्माद की महफिल में, वो शायद शहर में आग लगा दें, लोगों के घरों को जला दें। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जितनी धाराएं ऐसी हों, कॉन्स्पिरेसी से लेकर, उन्माद भड़काने से लेकर, रॉइड्स से लेकर, बलबा से लेकर, वो सारे ऑफेंसेस 147, 148, 149, क्योंकि हो सकता है उनके हाथ में डेडली वेपन भी हो, डेडली वेपन नहीं होगा तो डंडे ले लेंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ और वहां का प्रशासन, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर उसके होने चाहिए। नहीं नहीं, देखिए 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 बहुत साफ, जहां आप बहस करने बैठे हैं कानून की और संविधान की, आपको बड़े संतुलित होकर के हर बात सोचनी होगी। 124A तब लागू होगा जब कोई व्यक्ति सरकार के या राज्य के विरुद्ध या देश के विरुद्ध में कोई वास्तव में प्लानिंग के साथ में एक्शन करता है। ये वो आपको एक्शन दिखाता हूं, फिर आपको मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट रुकिए, कोई व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि संतुलित मस्तिष्क का हो, असंतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति अगर खड़े होकर के कोई भाषण देता है, लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, पागलों की तरह कोई हरकत करता है, तो ये प्रशासन की ड्यूटी होती है ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करके जेल में बंद करके या अस्पताल में बंद करके उसका इलाज कराए। उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस किस बेस पे, उसने कोई एक्शन नहीं किया, वो खाली स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेट उसको रोका जाना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे। स्टेटमेंट हर कोई दे सकता है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो समाज के विरुद्ध हो वो नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट वो व्यक्ति अगर दे रहा है, क्या बोलता है मेरे सामने, नहीं 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 यहां सुनिए, अगर ऐसा स्टेटमेंट वो व्यक्ति दे रहा है तो उसको वो स्टेटमेंट देने से क्यों नहीं रोका जा रहा, सवाल इस बात का है, सवाल यहां लॉ का नहीं है, सवाल यहां एक्शन का है। एक्शन लेने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार डीएम को होता है, उस शहर के अंदर, राज्य के अंदर जो गृह मंत्री होता है उसका होता है, देश के अंदर जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है उनका होता है। क्या उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं? क्या केवल यह महज डिबेट का महज है? क्या ये बहस, ये मुद्दा खाली कोर्ट का हो जाए? नहीं, कोर्ट का ये मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा केवल न्याय करना होता है। जब गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करके उठा के कोर्ट के सामने ले जाएगी तब कोर्ट ये डिसाइड करेगी। अजमल खान को भी आपके राइट दिया गया था सुनने के लिए कि इसने वाकई में सही किया कि गलत किया, किस इंटेंशन में किया। बिल्कुल, इस समय क्या नहीं हो रहा, देखिए उसको रुकवाइए। इस समय होना ये चाहिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए बैठे हैं, जो होम मिनिस्टर बने हुए बैठे हैं, उनको चाहिए ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करें और अस्पताल में इनका इलाज करवाया जाए। लेकिन इसको अरेस्ट किया गया था इसी कानून धारा के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसको जमानत मिली है। और अगर जमानत बिल्कुल अगर जमानत मिलने के बाद ये प्रचार करता तो है। मिलेगी सर, जमानत तो 100% इस आदमी को मिलेगी, क्योंकि मस्तिष्क से असंतुलित है। जो व्यक्ति मस्तिष्क से असंतुलित है उसने कोई अपराध नहीं किया होता, ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का, इतना नहीं पता किसी को। अब तो मुझे लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अब ओवैसी आपको ही वकील बना लेगा। बिल्कुल बना ले, मुझे से कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा जस्टिस के लिए खड़ा हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे कोई भी हो। अगर ये व्यक्ति असंतुलित, एक इस तरह का बयान कि 25 करोड़ के अंदर हम 100 करोड़ को खत्म कर देंगे, पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, एक असंतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति ही, ऐसे व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेटेड है बुरी तरह से, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति, वही उनका इलाज, केवल एक ही इलाज है, वो है कि हॉस्पिटल। मुझे ये लगता है कि शर्मा जी इस बात से ओवैसी को एक एस्केप रूट देना चाहते हैं। शर्मा जी ये भूल जाते हैं कि उसका मानसिक असंतुलन सिर्फ एक भ्रम है, वो हाईली लिटरेट आदमी है, ये आप काहे को भूलते हैं? मैं उसका रूट नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बात ये है कि जो कानून में प्रावधान है सेक्शन 153 कहता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके एक्शन से कुछ हो तभी आपको होगा, इवन अटेम्प्ट आप कर रहे हैं तब भी वो कल्पेबल है। अटेम्प्ट का जरा मतलब बता दीजिए। अटेम्प्ट का मतलब किसी को इंड्यूस करना। मैं विवेक जी और आदरणीय विवेक जी और आदरणीय एमएल शर्मा जी की बात को बीच में उनसे अनुमति लेते हुए एक बात कहूंगा। हमारी जो कुलीग हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं उनकी एक बात पर शायद हमने गौर नहीं किया। आदरणीय एमएल शर्मा जी बहुत जाने माने वकील हैं इस देश के, इन्होंने माने ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत कुछ, मैं जनरल, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति कानून व्यवस्था से ऊपर अपने आप को समझता है। सही है, जो व्यक्ति कानून व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझता है, जिस व्यक्ति के लिए कानून कुछ नहीं है और जिस व्यक्ति के कहने पर हजारों लोग अपने घरों से निकल जाएं, क्या सिर्फ उस व्यक्ति का मानसिक इलाज कर देने से, अस्पताल में भर्ती कर देने से, ट्रीटमेंट कर देने से वो हजारों लोग भी सुधर जाएंगे? और अगर ऐसा है, लेकिन एक मिनट, मैं यहां पे आपको एक समस्या का हल बता रहा हूं। आप उसको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट के सामने लाएंगे, कोर्ट से उसको बेल मिलेगी, बिल्कुल साफ लॉ प्रोविजन। मैं नहीं बताऊंगा, उसके 50 वकील बताएंगे। उसका सही रास्ता है, उस आदमी को अरेस्ट कीजिए,
उसका इलाज करवाइए, उन लोगों का इलाज कराइए जो उसके साथ में इस तरह के फ्रस्ट्रेशन के अंदर मतलब इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि आप उसको, और जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हो जाए उसे बाहर मत आने दीजिए। लेकिन वो घूम रहा है, वो बाहर आ रहा है, घूम रहा है। आप लोगों की गलती है, मिनिस्ट्री की गलती है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की गलती है, क्यों ऐसे व्यक्ति को बाहर रखा गया, इसको क्यों नहीं बंद करके इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है। बिल्कुल, हम दूसरी धारा आपको दिखाते हैं, 125 धारा पर क्या कहता है कानून और ये उसमें क्या बोलता है। आपकी ताकत मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। कोर्ट के अंदर से ये विवेक जी 125 के भी अंदर आता है लेकिन फिर भी बाहर है। 125 की जो आप बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन है, उसमें क्लियरली ये प्रावधान दिया हुआ है कि कोई हेट्रेड स्पीच करता है फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूरिंग द इलेक्शन और ड्यूरिंग द कैनवेसिंग तो वो 125 के अंतर्गत बार्ड है, दो वर्गों के और शत्रुता पैदा करता है या हेट्रेड स्पीच से या अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो इस तरीके का कोई भी भाषण करता है तो वो कल्पेबल है और प्रावधान है 3 साल की सजा तक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बिल्कुल ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। तो ये बताइए, और किसी ने कंप्लेंट इसके ऊपर इसके अलावा शर्मा जी कई लोगों ने बाद में या देश में किसी भी आदमी ने इसके अगेंस्ट में एक भी कंप्लेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन नहीं, कई जगह पर की। शर्मा जी, हैदराबाद में पिछले साल अगर हम जो एक अंश शुरू में हमने देखा जो कहता है इस मुबारक महफिल में, याद करें शब्दों पर, इस मुबारक महफिल में मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आज राम आज लक्ष्मण आज सीता, अरे कितने नाम है, कब कौन पैदा हो जाता है, इस तरह की जो बात अगर हम कहें उसके बाद, और ये YouTube पर काफी था, हजारों लोगों ने देखा, वहां के किसी लॉयर ने कंप्लेंट फाइल किया, वो अरेस्ट हुआ और मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आया, मेडिकल ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, हैदराबाद को टेरराइज करके रखा हुआ है इस व्यक्ति ने, आपकी हैदराबाद को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शर्मा जी मैं आपकी सारी बात को सहमत होता हूं, एक बात कहता हूं, किसी और इस बहस का मुद्दा स्टेटमेंट दे, किसी और कम्युनिटी का आदमी ऐसा ही स्टेटमेंट दे तो यही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उसके, अगर वो साइकोलॉजिकल है तो एमएलए पद क्यों नहीं छोड़ देता वो, एक्जेक्टली साइकोलॉजिकल है तो कंटेस्ट कैसे कर रहा है, कौन एक्शन लेगा, देखिए सुनिए हम लोग हैदराबाद नहीं, हम लोग एक हम सारे एक एडवोकेट हैं और हम लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, कोर्ट सोमोटो कोई एक्शन नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन के पास में जब तक कोई कंप्लेंट लेके नहीं जाएगा तब तक कोई कुछ नहीं होगा, आम आदमी की बात, इलेक्शन कमीशन के पास, नहीं सुनिए नहीं सुनिए इस बात को, इसकी जिम्मेदारी, यस मैडम मैं आपकी बात, यू आर राइट, इंडिविजुअल या एक ग्रुप को है ना प्रमोट नहीं किया है उसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चैलेंज किया, एक्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो मोटा एक्शन नहीं ले सकती है क्या उसके, एक्जैक्टली मैं इतनी देर से मैं यही बात कह रहा हूँ जो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, इसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की है, उन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया, बिल्कुल हम कांग्रेस गवर्नमेंट, एक्जैक्टली गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो मुझे इससे मतलब नहीं, किसी रूल्स की हो, किसी भी आपके पार्टी की हो, किसी भी रिलीजन की हो, इरेलेवेंट, लेकिन जो आदमी डीएम है, जो आदमी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आदमी सीएम है, इमीडिएटली उस पर एक्शन ले, देखिए जो आदमी डीएम है, अभी उसको है ना इंप्लीमेंट करते हुए उसको सजा देने का टाइम है, कौन देगा, आज तक तो किसी ने दिया नहीं ना, आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, रेज कीजिए इस वॉइस को, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इन तीनों में मंत्री, मुझे बड़ी चाहिए कि वो आवाज जनता को नहीं भूल जाइए, जनता को नहीं 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 जनता को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पब्लिक को नहीं चाहिए, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं होती सारी, ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होम मिनिस्टर की है, कि हमें उन्हें उठाना है, उन्हें जगाना है, उन्हें बताना है कि ये जो प्रावधान बने हैं ये सभी के लिए समान है, कुछ नहीं होता, एमपी रहो या कोई भी रहो समान है, पॉलिटिकल स्लोगन से कुछ नहीं होता, पब्लिक को जगाने से कोई मतलब नहीं, जिसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, क्यों नहीं ले रहा, ऐसा प्रावधान है, और आपको बुलाया ना, अगर
एक मिनट दुबे जी, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? दुबे जी क्यों नहीं करवा रहे हैं? होम मिनिस्टर क्यों नहीं एक्शन करवा रहे हैं? दुबे जी क्यों नहीं उन्होंने कंप्लेंट की? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं? बताइए शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है। आप पब्लिक से कह रहे हैं, पब्लिक को जगाइए। शर्मा जी मानने जाएगा वहां पर? शर्मा जी कोई बचाने के लिए एक पुलिस वाला भी खड़ा नहीं होगा, सारे वीआईपी की सिक्योरिटी में लगे हुए ए टू जेड में। शर्मा जी मुझे लगता है क्या होता है, मुझे लगता है सरकार के खिलाफ जो खींच आप निकाल कर इस विषय को डायवर्ट कर रहे हैं। नहीं निकाल रहा हूं मैं, आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर कोल ब्लॉक में मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया, जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल है, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है, ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल है, तो फिर उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया बताइए? बिल्कुल नहीं किया, और इसलिए क्यों नहीं कर रहे हम उनके अरे भाई उनका तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना डिबेट के लिए। आज इस डिबेट को इसीलिए करना पड़ा कि उन्होंने आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। यस, और इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, इसलिए बोलिए अरेस्ट कर रहे हैं इस आदमी को। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि वकीलों के पास क्या सोल्यूशन है? वकीलों के पास इसका नेता कायर है, नेताओं ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। नो नो नो, दूसरों की बात नहीं है, इसलिए वो अरेस्ट हुआ। जब तक वकीलों ने ही किया पिछली बार भी दायर नहीं की, तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। शर्मा जी की बात, एक लाइन में मैं जवाब दूंगा। सतना सागर में एप्लीकेशन मैंने कंप्लेंट दायर की थी, तभी उसके बाद जनता सरकार जागी और सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दायर किया था और उनको अरेस्ट किया था। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी कोल विषय में सरकार ने नहीं किया, आपने किया। कोल विषय में सरकार ने खुद करप्शन किया था। सरकार के करप्शन के अंदर जो आदमी एक्यूज होता है वो खुद अपने अगेंस्ट में एफआईआर नहीं करता। तो ये भी तो यूपी गवर्नमेंट है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। ये एक कॉमन एक्यूज है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती लीगली? अगर वो चुप बैठे हैं, वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, तो इस्तीफा दे दे, मुझे बैठा ले, मैं करता हूं दो दिन के अंदर। एक लाइन में मैं, इसीलिए हम उन लोगों ने, मुझे लगता है शर्मा जी शायद पूरी बात समझ नहीं गए। एक मिनट शर्मा जी समझने गए। हमने ये कहा कि हमने हर सेक्शन के लोगों को यहां बुलाया, उन्होंने इस विषय पर क्या करना चाहिए ये चर्चा हम करें, पॉलिटिकल सेक्शन को भी हम बुलाएंगे, उनको पूछेंगे, लेकिन आज का विषय हमारा वकीलों से है, और इसलिए वकील इस विषय पर क्या कहते हैं, क्या दिशा, ये तो देखिए, ये तो वकील क्या है मैं आपको बता देता हूं साहब, लोगों को मिसलीड मत कीजिए। वकील कोर्ट ऑफिसर्स होता है, जो मैटर कोर्ट में आता है उसको सही तरीके से न्यायिक रूप से कोर्ट के सामने रखता है, जो एविडेंस है उस एविडेंस के अनुसार ही कोर्ट से कहता है कि इसको सजा दो या मत दो। वकील होने का ये मतलब नहीं जानते हुए भी सही बात सामने न रखें। जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, जो आदमी मानसिक रूप से पागल है, जो आदमी मानसिक लोगों के पागल लोगों का ग्रोह बना चुका है, इकट्ठा कर रहा है, बोल रहा है, भाषण दे रहा है, जिम्मेदारी जिसको एक्शन लेने के लिए जो एक्शन नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट तो आप बोल नहीं रहे। आप ये नहीं कह रहे कि होम मिनिस्टर इसको अरेस्ट करें, ये सब हो चुका है। आप पांचवें शो में आए हैं, आप पांचवें शो में आए हैं। चलिए हम यहाँ पर रुकते हैं, हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, ये विषय अभी भी जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वो अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के ऊपर, हम पांचवा एपिसोड आपके सामने लेकर आए लगातार। आज हम बात करें, आज के बाद का मुझे लगता है थोड़ा सा एमएल शर्मा कार्यक्रम में देरी से आने से और पहले एपिसोड की बैकग्राउंड इनको मालूम न होने के कारण शायद ये पूरी बात समझ नहीं पाए। मुद्दा उन दर्शकों के लिए भी मैं दोबारा बताना चाहूंगा, शायद जिनको इस विषय का पूरा बैकग्राउंड पता नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसके पहले जो भाषण दिए थे उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया था और उसको कंडीशनल बेल दी गई थी, बेल के बाद वो बाहर है। ऐसे जब बेल के बहाने बाहर आने वाले लोग उस बेल के कंडीशन को तोड़ते हैं तो उनको उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, और जो पहले से इनके ऊपर केस चल रहा है उस केस के अंदर इनको पूरी ट्रायल कंप्लीट होने तक, कन्विक्ट होने तक या रिलीज होने तक अंदर रखना चाहिए। दूसरी बात, ये गुनाह उसने पहले किया, इसी गुनाह को अब रिपीटली कराए, बाद में भी कराए, महाराष्ट्र के चुनाव में भी कराए, चुनाव के पहले भी कराए, मतलब ड्यूरिंग द चुनाव जो इलेक्शन कमीशन का कार्यक्षेत्र है इसको भी वायलेट कराए, आफ्टर चुनाव और बिफोर चुनाव जो आईपीसी की धारा है उसको भी वायलेट कर रहा है, और जो कि शर्मा जी ने पहले भी कहा कि ये डीएम परमिशन कैसे देता है,
लेकिन ये राजनीतिक स्थानीय स्थिति के आधार पर विभिन्न जगह पर अपने विवेक के आधार पर उनको परमिशन देने का जो अधिकार है उसका गलत फायदा या कई अज्ञान या कई पैसे का प्रभाव तो कई सत्ता के प्रभाव के आधार पर कलेक्टर या स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को परमिशन दी जाती है और उसके बाद उनके भाषण समाज में विष फैलाते हैं। जरा इस विषय की और जानकारी आपको मिले इसके लिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देश के खिलाफ युद्ध की बात कैसे करता है। देखिए, का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूं। तो हिंदुस्तान की हजार बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। इसके खून खराबे में शर्मा जी आप भी नहीं छूटेंगे। देखिए, मैं शर्मा जी कुछ बोले उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। शर्मा जी एक मिनट, जो आपने अभी बात कही कि वो डीएम क्यों नहीं रोकता है, परमिशन कैसे मिलती है, तो वो राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी जब एक रिक्वेस्ट के साथ जाती है डीएम के पास, डीएम वो परमिशन देता है क्योंकि चुनावी रैली करनी है। लेकिन डीएम को ये नहीं मालूम होता कि क्या बकवास करने वाला है, वो तो बकवास करने के बाद एक्शन लेना है। तो इसलिए क्यों डीएम ने मीटिंग होने दी, वो तो ड्यूटी बाउंड ने मीटिंग होने देने के लिए। शर्मा जी कंटिन्यू करिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, स्थिति बहुत साफ। दूसरी बात मैं और शर्मा जी के, एक आदमी पागल, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब कहीं पर लगता है, आचार संहिता लगती है, तो वहां पर सरकार सिर्फ प्रशासन होता है। जो डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, स्टेट का जो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है या चुनाव आयुक्त जो जाता है वो एक्शन लेते हैं। एक्शन किसको लेना है? लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को, वहां के प्रशासन को। और जब वहां के प्रशासन के पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं, वो यूट्यूब पर वो वीडियोज अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं, हेट स्पीच है, उन्माद भड़वाने वाली स्पीच है, राइट्स वाली, तो उन्हें अपने आप स्वतः अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लें। कानून की जो धाराएं हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हो, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज होने के साथ साथ, क्योंकि वो जीतेगा कैसे? धार्मिक उन्माद फैलाकर या उसके अपने सपोर्टर के धार्मिक उन्माद फैलाने वाली स्पीच के बेसिस पर, नंबर एक। और नंबर दो, जो दूसरी बात है, वहां की एनफोर्समेंट एजेंसी जिसकी वजह से खून खराब हो क्योंकि वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो वो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वकील बाद में आएगा, वहां की जो एजेंसी है उस समय, जो प्रशासन है वहां का, जो देख रहा है उसे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आप सबसे और इस देश की जनता से, जो ये पूरी डिबेट देख रहे हैं, उन सभी वकीलों से जो अगर सुन रहे हैं या जिसमें भाग भी ले रहे हैं या भाग लेंगे, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, डीएम से और इलेक्शन कमीशन से, एक्शन क्या करना चाहिए इसकी जानकारी हर किसी को है। हम यहां पे इसलिए नहीं बैठे कि ये बताएं कि एक्शन करना चाहिए या एक्शन होगा और सही होगा कि गलत होगा। सवाल दो है, ये व्यक्ति पागल है या नहीं है मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन शास्त्रों में शुरू से कहा गया है किसी भी व्यक्ति के अंदर का कोई भी कार्य तब तक संपन्न नहीं होता जब तक उसके पास शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती। सवाल इस बात का है कि इसके पीछे वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं? क्या वो हमारे मूर्धन्य राजनीतिज्ञ लीडर हैं जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों में हैं, जिनकी आंखें धृतराष्ट्र की तरह बंद हुई पड़ी, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल। क्या वो डीएम, क्या वो सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या होम मिनिस्टर? फिर आई डोंट वांट टू रिपीट, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सवाल सिर्फ एक बात का है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है आज तक, न केवल इस व्यक्ति के विरुद्ध में बल्कि इस व्यक्ति को जो एजेंसियां समर्थन कर रही हैं, जो पीछे से पैसा भेज रही हैं बाहर से, जो इनके ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी आज तक एक्शन करके क्यों नहीं, एफआईआर दर्ज करके इनको या तो हॉस्पिटल भेजा जाए इलाज के लिए जीवन पर्यंत जब तक कि ये ठीक ना हो जाए, या जेल के पीछे रखें, या इनको प्रतिबंध किया जाए, जो भी कानून के सम्मत है, वो एक्शन आज तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया गया। क्वेश्चन इस बात का है, आगे क्या नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया जा रहा है? ठीक है, नहीं लिया गया, आगे क्या? व्हाट यू मीन भाई आगे क्या? इस व्यक्ति के अगेंस्ट वही एक्शन होगा, खाली बहस से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो एक्शन करवाइए। हाँ, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, सवाल इस बात का है। तो आप चाहे 125 लगाएं, 124 लगाएं, चाहे इसके कुछ भी लगाएं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कौन ऐसा राजनीतिक लीडर है जो इसको सपोर्ट कर रहा है?
बिल्कुल, इसको बताइए, इसको सामने लेके आइए। चलिए वो तो राजनीतिक डिबेट में हम लाएंगे, लेकिन विवेक जी के पास में जाऊंगा। क्या विवेक जी इसको वकील कुछ नहीं कर सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकता, कंप्लेंट केस फाइल कर सकता, पहले भी हुआ है, उसमें जेल भी गया है, पहले भी कंप्लेंट केस के थ्रू ही गया था, पहले भी वो वकील साहिबाई नहीं किया था जैसे बता रही। नहीं, वो वकील नहीं, ठीक है, कंप्लेंट आदमी फाइल करता है तो वो वकील वकील नहीं होता, सिंपल एक कंप्लेनेंट होता है। टेक्निकल पॉइंट छोड़ दीजिए। नहीं, नो 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 नो, माफ कीजिए, बिल्कुल साफ, जब आप यहां बहस कर रहे हैं बहुत साफ, जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है वो कंप्लेनेंट होता है, वो वकील नहीं होता। अगर एक जज भी आकर के कंप्लेंट करेगा तो वो उस समय केवल कंप्लेनेंट होगा, वो जज नहीं होगा उस समय। वकील एक एडवोकेट जो इस प्रोफेशन के अंदर कोर्ट के अंदर जिस समय खड़ा होता है उस समय वो कोर्ट में अंदर वकील होता है, कोर्ट के बाहर निकलने के बाद ही नॉट एन एडवोकेट। बात ये हो रही है कि जो बाय लीगल बाय प्रोफेशन वकालत का धंधा करते हैं उनका एक नागरिक के नाते कोई कर्तव्य है या नहीं है, क्योंकि वो जो कानून के जानकार है इसलिए उनका कर्तव्य है या नहीं है, ये तो हर किसी में क्या वकील आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ, क्या मैं कंप्लेंट फाइल करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, हर कोई कंप्लेंट फाइल की बस मना नहीं है। आप किसी मेरा मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ टैग मत लगाइए आप, क्योंकि आप जब कंप्लेंट करते हैं तो वकील का प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि वकील कानून का जानकार है। एक साल पहले इसकी जिम्मेदारी डीएम की है, इसकी जिम्मेदारी डीएम की है, डीएम की जिम्मेदारी आप आम पब्लिक के ऊपर शिफ्ट मत कीजिए, ये डीएम की जिम्मेदारी है। एक दुबे जी, मैं आपके पास जाऊंगा अभी, चलिए शर्मा जी के पास, इसके लिए कोई उपाय नहीं, हम उनको छोड़ देंगे, उपाय है बिल्कुल साफ, हम हमें डीएम की है, डीएम ने अगर एक्शन नहीं लिया तो डीएम के अगर एक्शन लेना चाहिए, मेरा शर्मा चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर का एक्शन नहीं ले रहा है तो आप कॉल में पांच बार इस बात को कह चुके। एक मिनट, ये विषय छोड़ के आपके पास कहने के लिए कुछ और है, आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे? नहीं नहीं, तो आपको अभी इनको बोलने दीजिए, क्योंकि आपके पास इसको रोकने का कोई हथियार नहीं और ऐसे लोगों का समाज में कोई उपयोग नहीं है। ऐसे लोग अगर खुले में घूम रहे हैं, सरकार कायर है, राजनीति के चोर है, प्रशासन बिका हुआ है, ऐसे में वकील भी आधार नहीं तो हम देखेंगे क्या करना है। आपके पास उपाय नहीं तो जिनके पास उपाय उनके पास चलते हैं। एके दुबे जी, इस विषय पर आप क्या उपाय देते हैं? इसमें दो बातें बताता हूं, अगर हमें याद हो तो एक साल से डेढ़ साल पहले जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी थी, राज ठाकरे के ऊपर देश में, झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह कंप्लेंट केसेस फाइल करके मुकदमे दर्ज हुए थे और फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा था और उन्होंने कहा साहब हम हर जगह, अगर आपको याद हो तो उन्हें जाना पड़ा था, कहां, झारखंड के किसी रांची में एक कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट केस रजिस्टर हुआ, बिहार में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कहा सबको एक जगह फिक्स कर दीजिए, उन्होंने याचिका लगाई। एमएल शर्मा जी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे। नंबर एक, सुब्रमण्यम स्वामी भी वकील ही हैं जिनकी वजह से जयललिता इतने पुराने केस में अंदर हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी वकील नहीं है, एक्टिविस्ट हैं लेकिन वकील भी वकील नहीं। अगर नंबर एक, नंबर दो, एमएल शर्मा भी वकील हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा कोल घोटाला सामने आया। सर आप बहुत सारी बातों को देखिए, जितने सारी पिटीशंस फाइल हुई हैं, कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, ओवैसी भी जिसमें गया, पहले वकील हैं, वकील एक प्रिविलेज्ड मेंबर है सोसाइटी का, और प्रिविलेज मेंबर होने के नाते वकील का यह कार्य भी है, यह भी देखना है कि सोसाइटी में अगर किसी प्रकार का सोसाइटी के अगेंस्ट कार्य हो रहा है तो उसमें हम वॉइस रेस करें, ना कि ओवैसी जैसे गद्दारों को जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं, देश की अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हो। नंबर एक। नंबर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी का कृत्य उतना ही घृणित कृत्य है जितना किसी आतंकवादी का देश के ऊपर गोलियां बरसाने का कृत्य है। तीसरी बात, ओवैसी देश की, हिंदुस्तान की 125 और 100 और 25 करोड़ लोगों को लड़ाने की बात करता है, माने जो 25 करोड़ लोग हैं उनको धार्मिक उन्माद से बढ़कर, वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी अपने को हिंदुस्तानी समझते, ऐसे लोगों को मेरा ऐसा मानना है कानून में भले परिवर्तन हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, हाई कोर्ट इंटरवीन, ऐसे लोगों को सड़क पे, चौराहे पे गोली मारनी चाहिए या फांसी देनी चाहिए ताकि समाज में संदेश जाए। आप कीजिए, बिल्कुल गलत बात, ताकि समाज में संदेश जाए, देश में बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे यहां एक सिस्टम है, हमारे यहां गाय के विषय में क्या कहा, बिल्कुल गलत, आपको निकाल दे स्क्रीन पर कि गाय के विषय में इसने क्या कहा, बिल्कुल हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन है, इंडियन पीनल कोड का। गाय के विषय में इसने क्या कहा वो दिखा दो। जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। मुसलमानों, दो साल तक मत खाए ना, अगर हम तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीबे नहीं खा रही, हम क्या करेंगे,
हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, हम इसकी मेघना स्पीच है, हाँ, इसको कोई क्यों नहीं रोकता है। इसकी जिम्मेदारी आप किसी एक वर्ग के ऊपर नहीं थोप सकते, इसकी जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जिसके पास थोड़ी भी ताकत है, हर उस समाज की है जो कि इस देश के अंदर रहता है। यही तो हमसे ज्यादा, और सुनिए, इसको रोकने की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन मुसलमान ग्रुप की है, उस मुसलमान सोसाइटी की है जिसके ये एक हिस्सा होकर के पूरे देश को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये उस पूरे क्या ये पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की डेट में? और मेरे हिसाब से नहीं, ये कुछ लोग मानता हूं, ये कुछ लोग हैं। 25 करोड़ का जिम्मेदारी, अब मैं रिपीट करूंगा, अब मैं फिर कहूंगा, ऐसे इंसान को रोकने की, ऐसे इंसान को सजा देने की सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी को है तो मुस्लिम समाज को है। आज मुस्लिम समाज को सबसे पहले ऐसे इंसान को रोकना चाहिए, उसके बाद जिम्मेदारी डीएम सीएम और पीएम की बनेगी। मैं मेघरानी अग्रवाल के पास जाऊंगा, वहां पर हैदराबाद में इस विषय को लेकर इतने जागरूक लोग हैं, क्या इतने दबाव में है, इतना वहां पर आतंक है कि स्थानीय स्तर पर इस पर कुछ नहीं होता? मेघरानी जी, जी यहाँ पर तो आतंक ऐसा है कि हैदराबाद को ये लोग सेकेंड पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर के जितने भी अधिकारीगण है वो ये जब भी मुद्दा ओल्ड सिटी का आता है, क्योंकि ये ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हैं, मुद्दा जब भी ओल्ड सिटी का आता है तो अधिकारीगण ये बोलते हैं कि ओल्ड सिटी का मैटर है, ये छोड़ दो। माने यहाँ पर न सरकार, न यहाँ पर सरकारी नुमाइंदे, यहाँ पर कोई भी सही इस तरीके से काम करने के लिए उनके अगेंस्ट, पर्टिकुलरली उनके अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये मानसिक रूप में तैयार, या तो वो तैयार है या उनके ऊपर दबाव है कि इनसे जुड़े हुए या इनके ऊपर जितने भी व्यक्ति है उनके ऊपर कोई कार्यवाही न की जाए। बिल्कुल यही हो, ऐसी स्थिति में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। Exactly. क्योंकि जब यहाँ के लोग अगर असक्षम है तो बाहर के लोग, माने भारत के जो अन्य जनता है उनके ऊपर ये उनका ये कर्तव्य है। बिल्कुल, और यही बात देखकर सरदार वल्लभ भाई, बिल्कुल धन्यवाद आपने, बिल्कुल सही कहा मेघरानी। इसी बात को मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैडम ने जो बात कही मैं इसी बात को कह रहा हूँ, शब्द मेरे अलग हैं, इसी बात को कह रहा हूँ। आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की है, और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर डीएम की वहां की जिम्मेदारी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम और प्राइम मिनिस्टर की, इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की प्रत्येक नागरिक। मैडम, भारत का प्रत्येक नागरिक हथियार लेके इनके सामने खड़ा तब होगा जब ये सारी जिम्मेदारी लेने वाले दूर खड़े हो जाएंगे। विश्वास यही है ना, आज यही स्थिति है, अभी नहीं आएगी। आप हथियार डाल रहे हैं, सरकार हथियार डाल रहे हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है, डीएम कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, डीएम कुछ नहीं कर रहा है, सस्पेंड करवाइए डीएम को, डीएम नहीं कर रहा है, उसको कौन करेगा, वो सरकार नहीं कर रही है ना। हुआ है कि आज पब्लिक है ना, एडवोकेट के ऊपर निर्भर है, वो ये चाहती है कि जब जनता आगे नहीं आ रही है तो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो एडवोकेट है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि उनके पास इस तरह की जानकारी उपलब्ध है। आम जनता को जानकारी नहीं है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। आम जनता तो ये देख रही है ना, बिल्कुल गंदे हेट स्पीच दे रहा है। हाँ। आम जनता ये देख रही है किस तरह से ये पूरे देश को गाली दे रहा है। आम जनता ये तो देख रही है कि पूरे हमारे जितने भी धर्म देवी देवता हैं उन सबको गाली दे रहा है। हमारे यहाँ तो अक्षर भ्रम है, जो ये शब्द बोल रहा है वो भी भ्रम है, हम उनको भी ईश्वर मानते हैं। ये अपने ही शब्दों से हमारे ही शब्दों को उपयोग करता है, हमारे ही शब्दों के लिए कहता है, इसके पास अपने कोई शब्द तो है नहीं। आम जनता जिसके पास हथियार उठाने का अभी अधिकार नहीं है वो नहीं लड़ सकती मैडम। आम जनता विरोध कर सकती है, आम जनता बोल सकती है, चीख सकती है, वो बोल रही है, हम भी आम जनता के एक हिस्सा है, हम भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि डीएम को हटाओ वहां से, चीफ मिनिस्टर को हटाओ, इनके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इस पूरे कैंपेन के बाद समाज में जागृति आई है और लोग संवैधानिक को वोट चाहिए, अपनी बात कह रहे चाहिए, ऐसा प्रोटेस्ट कुछ नोएडा से सटे हुए गाजियाबाद में भी हुआ, उसको देखते हैं। Bye.
चलते हम एक महिलाओं के प्रोटेस्ट की तरफ चलते हैं। महिलाओं के ये लंबे प्रोटेस्ट है, कई और जगह से भी आए, लेकिन हम कुछ कुछ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी उसको देखते हैं। माँ दुर्गा के 33 करोड़ सपूत है, वैसी भूल गया, वो यहाँ सिर्फ 25 करोड़ है। हमारी माँ ने एक हाथ रख दिया ना, भाइयों को आने की जरूरत नहीं है, किसी भी वैसी छुप जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। चलिए, एमएल शर्मा करने के लिए कुछ तैयार नहीं है, लेकिन महिलाएं आगे आकर कुछ बात करने को जरूर तैयार है। कमेंट दिया कि मैं करने को तैयार नहीं हूँ, तो आप क्या करेंगे बताइए। मैं क्या करूंगा ये मैं कहने से नहीं आएगा साहब, तो अगर मुझे जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगा। चलिए, लेकिन ये कहना, लेकिन ये कहना 40 मिनट बाद आइए, नहीं माफ की, ये कहना कि केवल वकीलों का ही करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि वकील जो है, वकील केवल कोर्ट के अंदर वकील होता है, कोर्ट के बाहर वो वकील नहीं होता। चलिए, इसलिए समाज के हर वर्ग को करने का ये राइट है, समाज के हर वर्ग को व्यक्ति। चलिए, अब हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में, इतना मैं कहूंगा कि समाज का हर वर्ग इतना मजबूत नहीं है। लोगों को सुरेश जी यदि खुला छोड़ देंगे तो विश्व के सामने वही खतरा पैदा होने वाला है जो आज इराक में बगदादी के कारण पैदा हो चुका है, हो चुका है। आज पूरा विश्व थर्रा रहा है, और इसका स्टेटमेंट जब मैं पिछली बार आपके साथ कार्यक्रम में था तो ये कहता है भारत ही नहीं पूरे विश्व को वही बगदादी कहता है, फतेह करने की बात, फतेह करनी है, बिल्कुल वही बगदादी कह रहा है। इसमें और उसमें उसको जरा दिखाते हैं, धारा 125 दुनिया को फतेह करने की बात करता है, हिंदुस्तान तो छोटा है कहता है। देखिए, मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है। इसने 7 सीट, जहनीयत देखिए, जहनीयत देखिए, जो एक फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है दारुल उलूम मनाने की, पूरे उसमें कि पूरा विश्व जो है वो ग्रीन हो जाए, वो पूरी एक फिलॉसफी चल रही है, वहां से ये सोच पैदा होती है, वो सोच यहां तक ट्रेवल कर रही है आज। चलिए, इसका उपाय क्या है, इस दिशा में हम बात करेंगे कार्यक्रम के आखिर में कि आखिर क्या हो सकता है। मैं मेघरानी अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। आपने तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ये बोल दिया बहन जी की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के लोग हताश है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए देश के अन्य हिस्से में कुछ करना चाहिए, तो देश का अन्य हिस्सा क्या करे, आप क्या चाहती हैं? इसके ऊपर एक्शन ली जाए, सभी जने अपील करें गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, चार्जशीट फाइल की जाए, और जल्द से जल्द, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई हो जाता है, तो उसको इतना मौका ना दिया जाए कि वो आगे और लोगों को भड़काए कि इस तरह के एक्टिविटी करे। हम अगर ये जो जख्म जब लग जाता है उसको हाथों हाथ अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाता है, तो ये भी वही जख्म है, ये पागल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये सोच समझ कर जो भी बोलता है वो सोच समझ कर बोलता है, ये दुनिया फतेह करने की बात करता है, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। सेक्शन 121 ऑफ ICC है जिसमें गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन ले सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, तो गवर्नमेंट जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे और इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करे, इसको डिले ना करते हुए डे टू डे बेसिस पे कार्रवाई करे, तो जल्द से जल्द रिजल्ट आ सकता है। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ। चलिए, एक ही दुबे जी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, मैं आपके पास भी आऊंगा, तीनों का मैं उपाय लूंगा कि क्या उपाय किया जा सकता है और आप इसमें क्या करेंगे ये भी अगर बताएं तो अच्छा होगा। दुबे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इसको आजीवन बैन कर देना चाहिए, इसको और इसकी पार्टी को या इसके पार्टी के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये कहीं भी स्पीच नहीं दे सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिल सकते, तभी ऐसे नासूर को समाज से खत्म किया जा सकता है। और इसके हर स्पीच पे जितने ऑफेंसेस बनते हैं, गाय को काटने का ऑफेंस बनता है, भगवान को अगर चोट पहुंचाने का ऑफेंस बनता है, हिंदुओं को चोट पहुंचाने का ऑफेंस बनता है, मुसलमानों को चोट पहुंचाने का ऑफेंस, किसी और समुदाय के लोगों को चोट, इसको हर जगह से बहिष्कृत करना चाहिए और साथ ही साथ इसे जेल में बंद कर देना चाहिए, और इसके इंटरनेशनल जो आतंकवादियों से लिंक्स हैं उन लिंक्स को निकालकर इसको एक आतंकवादी तैयार कर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की वजह से लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन को शरण, ऐसे ही लोगों की वजह से बिल्कुल उनके लिए ग्राउंड बना रहा है, एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि
उनकी फौज को यहां पर ग्राउंड बनाने का, माहौल बनाने का, युवाओं के मन में ये विष फेरने का काम इसकी तरफ से हो रहा है। विवेक जी, अभी कुछ लड़के, मुस्लिम लड़के यहां से इराक गए, उनको ट्रेनिंग किसने दी? इन सब बातों का पता लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग पाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खुले छोड़ देना मतलब पूरे समाज के लिए एक नासूर की तरह चीजों को करना है, तो इसको तो तुरंत आपको अरेस्ट करना चाहिए, आपके राजसात कर दी जानी चाहिए इसकी सारी। आप, आपके पास सारे प्रावधान मौजूद हैं, आईपीसी में भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी। इस विषय में कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे हम लोग। दुबे जी, आप जी बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे। मैं शर्मा जी, एमएल शर्मा जी के पास चलता हूं। शर्मा जी, आप क्या उपाय देखते हैं? शर्मा जी से भी हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि शर्मा जी ने इतने इश्यूज क्रैक किए हैं। शर्मा जी से हम लोग इसी तरह की उम्मीद करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ना तो वकील समुदाय और समाज को, क्योंकि इनसे लोगों को बहुत उम्मीद है। मुझे याद है एक लाइन में इनकी बात को, मैं मुझे याद है कि शायद उस दिन कोर्ट नंबर एक में कोई, दो में कोई मैटर लगा था, एक साईं बाबा को लेकर एक वहां से आया कोई जोशी करके इनका कार्ड दिया, बोले आप एमएल शर्मा जी हैं साहब, आपके तो हम लोग एडमायर करते हैं आपको, तो इनको लोग एडमायर करते हैं। इसलिए इनको किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से लोग हताश हों, क्योंकि एमएल शर्मा आज देश में एक नाम है, इसलिए इनको आगे एक्शन लेना चाहिए। इनसे कोई भी उम्मीद नहीं। आप क्या क्या कार्यक्रम के आखिर में क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर जी, एक्शन लेने का अधिकार जो है, फिर मैं कहता हूं डीएम, सीएम, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनिए, और इसके साथ साथ एक्शन लेने का अधिकार, जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम कम्युनिटी की। इन चारों के अगेंस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी अगर कोई एक्शन नहीं लेती इस व्यक्ति के विरुद्ध में, इसका अपशाप उस कम्युनिटी को अपने आप ही भुगतना पड़ जाएगा। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमारे ही समुदाय का, हमारे ही परिवार का वो अंग रहा है, हमारे ही परिवार के वो अंग है। लेकिन अगर एक्शन लिया जाना चाहिए इमीडिएटली, तो डीएम, सीएम और होम मिनिस्टर के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए कि उन्होंने आज तक इस बंदे को क्यों नहीं रोका, उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं आपराधिक मामलों के अंदर इसको रोका गया, क्यों इसको परमिशन दी गई, क्यों नहीं ऐसी चीजें शुरू करने के लिए इसको उत्साहित, हतोत्साहित किया गया। बिल्कुल, चलिए आपके तरफ से कुछ उम्मीद? अगर उनके ऊपर आप एक्शन लेंगे तो इसके ऊपर अपने आप एक्शन हो जाएगा। नहीं, शर्मा जी आप कुछ करेंगे? डीएम, सीएम और देखिए, यहां डिबेट पर बैठ के मैं कहना कुछ भी नहीं चाहता। चलिए, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी चीज को कहने कहना बेकार होता है, करके करना ही हम सही होता है। यही रखते हैं आज, हमने आपके सामने वकीलों की प्रतिक्रिया दिखाई। हालांकि कहा जाता है कि दो विद्वान एक साथ एक जगह पर आते हैं तो उनमें एक राय बन नहीं सकती, वैसे ही जब वकील एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उनमें भी एक राय बननी मुश्किल है। लेकिन भले ही शब्दों पर, तर्कों पर या हम तकनीकी आधार पर राय में अलग हो, एमएल शर्मा भी यही चाहते हैं कि ये बार या ये जेल में हो, इसके ऊपर मजबूत कार्रवाई हो, और इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई ओवैसी जन्म लेना सोच भी ना पाए। आज के लिए इतना ही। मैं सारे अतिथियों का, हैदराबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए बहन का, सबका आभारी हूं। अपने समय निकाला आज के कार्यक्रम में जुड़े। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।